वेलकम टू ऑल नविंदा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूनर की थ्योरी। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट थ्योरी है लर्निंग की। और इन्होंने जो थ्योरी दी है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर दी है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी इनको इनकी थ्योरी को कहा जाता है। तो ब्रूनर की जो थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है लर्निंग के बारे में, इनका मानना है कि जो लर्नर होता है वो खुद खोज करके तब सीखता है। और इनका ये भी मानना है कि जो लर्नर होता है अगर उसको किसी की हेल्प मिल जाए तो जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, वो और भी जल्दी अच्छी तरीके से ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो ब्रूनर ने और क्या क्या कहा है अपनी थ्योरी के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या आएगा इंट्रोडक्शन में। जोरम ब्रूनर इनका कंप्लीट नाम है। तो जोरम ब्रूनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इनके अनुसार मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया है। आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी पियाजे ने बात की है। तो इनका कहना है कि जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर वो ठीक है और उन्हीं पर इन्होंने काम किया है। इनके सिद्धांत को अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ब्रूनर का यह सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। तो ब्रूनर का ये मानना है कि लर्नर जितना खुद करेगा उतना जल्दी ज़्यादा सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग पर ये ज़्यादा फोकस करते। ठीक है, जहाँ पर विद्यार्थी अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर नए तथ्यों की खोज करता है। वास्तविकता को पहचानने के लिए मनुष्य को तीन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन्होंने तीन स्टेज बताई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो लर्नर है वो ज़्यादा सीखता है। और इनका मेन फोकस इसी बात पर है कि जो लर्नर है जितना ज़्यादा खुद करेगा उतना जल्दी सीखेगा, इसलिए इनकी थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो तीन स्टेज इन्होंने बताए हैं मनुष्य के स्थितियों से, किस स्थितियों से गुजरता है। तो तीन स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है अनएक्टिव स्टेज, जिसको हिंदी में क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को जन्म से लेकर 18 महीने तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ता है। इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। बच्चा गामक गतिविधियों के द्वारा प्राप्त करने का जो प्रयास करता है, जैसे भूख लगने पर रोना और हाथ पैर मारना, किसी वस्तु को पकड़ कर मुँह में लेना। तो इस अवस्था में ब्रूनर कहते हैं कि जो लर्नर होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जिसकी एज क्या है जन्म से लेकर 18 महीने या फिर 2 साल तक की मानी जाती है, इसमें बच्चा सीखता कैसे है? बाह्य वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, जो वातावरण उसके साथ है या फिर ये कह लीजिए जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उससे वो सीखेगा, फील करके सीखेगा। किसी वस्तु को छुएगा, उसको मुंह में लेगा, फील करेगा उसको, तो इससे बच्चे में क्या क्या होगा, मेंटलिटी एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी। और जितनी ज़्यादा मेंटल एबिलिटी बच्चे की डेवलप होगी, बच्चा उतना जल्दी ही ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे भूख लगने पर रोना, जब बच्चा भूख लगेगी और रोएगा तब उसको खाना दिया जाएगा या दूध दिया जाएगा, तो उसको पता है कि जब मैं रोता हूँ जो मेरी डिमांड है वो मेरे रोने से ही पूरी होती है। तो क्या करेगा बच्चा, उसको समझ आ गई है एक बात कि रोने से ही मुझे क्या है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे हाथ पैर मारना, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पता है कहाँ पर क्या करना है, कैसे खेलना है, कौन सी चीज़ को कैसे पकड़ना है, पकड़ने की जो एक्टिविटी होती है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज, दृश्य प्रतिभा प्रतिमा विधि अवस्था इसको कहा जाता है, आइकॉनिक स्टेज इसको कहा जाता है, इमेजेस वाले स्टेज। ठीक है, एक दिमाग में बच्चे की छवि बन जाती है। पहले बच्चा क्या है, चीज़ों को पकड़ता है, छूता है, फील करता है उनको, और धीरे धीरे उसकी जो इमेजेस है वो उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट देखते हैं इसकी क्या स्टेजेस हैं। इस अवस्था में 18 महीने से 6 साल तक की ये जो स्टेज है ये मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है, जो इमेजेस हैं, जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो इंक्रीज हो जाती है, एक इमेज बन जाती है बच्चे के दिमाग में। ठीक है, और इस प्रक्रिया में बच्चा पिक्चर और इमेजेस के माध्यम से सीखता है। अब बच्चा क्या स्कूल में जाने लगा है और बच्चे के सामने जो उसके बुक्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है, पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, तो टीचर सिखाता है उसको पिक्चर के माध्यम से। और जो जैसे
सिखाया जाता है बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे के माइंड में वही पिक्चर फिक्स होती है। जैसे बॉल उसके सामने हम नाम लेते हैं तो वही पिक्चर उसके दिमाग में आती है कि बॉल तो गोल गोल होती है, एप्पल रेड होती है, तो इमेजेस उसके दिमाग में एक छवि जो उसके दिमाग में बन जाती है, ठीक है, इमेजेस के माध्यम से बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी अनुभूति को अपने में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है, मतलब अपने मस्तिष्क में कुछ इमेजेस बना लेता है। जैसे ही हम किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि इसकी पिक्चर कैसी है, इसकी शेप कैसी है, इसकी स्थिति कैसी है, ठीक है, अपने मन में छवि बना लेता है और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उसको सीखता है। अगर कोई जैसे एप्पल है, एप्पल की जो शेप है, एप्पल की जो इमेजेस है उसके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है, उसको सिखाया गया स्कूल में कि एफ फॉर एप्पल होता है, एप्पल रेड कलर की होती है, तो उसकी जो इमेजेस है उसके दिमाग में है, अगर एप्पल हम उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे तो वो बता देगा कि ये एप्पल है, एफ फॉर एप्पल होता है और एप्पल होती है रेड कलर की, ठीक है, तो उसके सामने जब आती है तो अपनी इमेजेस का जो उसके माइंड में इमेज बनी हुई होती है उसका वो यूज़ करता है, ठीक है। यह अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से भी मिलती जुलती है। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रूनर है वो पियाजे की जो स्टेजेस हैं, पियाजे ने जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उनसे काफ़ी मिलती जुलती इनकी थ्योरी है, क्योंकि इनकी थ्योरी भी कोग्नेटिव डिस्कवरी कोग्नेटिव थ्योरीज के ऊपर ही रिलेटेड है और पियाजे ने भी कोग्नेटिव डेवलपमेंट पर ही काम किया, ओके। उसके बाद सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेजेस इसको कहा जाता है, इस अवस्था में 6 साल से आगे की अवस्था मानी जाती है। तो ब्रूनर ने 3 ही स्टेज बताई हैं, 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो हमारी थी वो थी जन्म से लेकर 18 महीने तक, सेकंड जो स्टेज थी हमारी 18 महीने से 6 साल तक, तो ये जो तीसरी स्टेज है जो सिंबॉलिक स्टेज इसको कहा जाता है, ये है 6 साल से आगे की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है, जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, जो बच्चे ने सीखा है उसको अपनी लैंग्वेज के माध्यम से वो अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। ब्रूनर का कहना है कि बच्चा शुरुआत में क्रियाओं के द्वारा चिंतन और फिर प्रतिबिंब दृश्य द्वारा चिंतन और बाद में संकेतों या फिर शब्दों के द्वारा चिंतन करता है या फिर अपने जो फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करता है, ठीक है। तो जो ब्रूनर ने अपनी स्टेजेस बताई है, 3 स्टेज बताई है, फर्स्ट अनएक्टिव जिससे बच्चा फेल करके सीखता है, सेकंड बताई है आइकॉनिक जिससे बच्चा जो छवि बच्चे के दिमाग में बन जाती है, एक पिक्चर बच्चे के दिमाग में बन जाती है और पिक्चर के माध्यम से बच्चा सीखता है, थर्ड स्टेज बताई है सिम्बोलिक जो स्टेज बताई है वर्ड्स की जो लैंग्वेज उसकी होती है उसके माध्यम से सीखता है, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, अनएक्टिव को कॉन्क्रीट स्टेज भी बोला जाता है, आइकॉनिक को पिक्टोरियल स्टेज बोला जाता है, सिंबॉलिक को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोला जाता है, तो अलग अलग नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज थी ब्रूनर के अकॉर्डिंग, जो ब्रूनर ने अपनी स्टेजेस में इसको डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रूनर की थ्योरी की। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों और नए विषय वस्तु के समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल। तो ब्रूनर का कहना है कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है और जो बच्चे की आने वाली फ्यूचर्स की जो नॉलेज है दोनों में समन्वय स्थापित हो जाता है, बच्चा प्रीवियस नॉलेज का अपना यूज़ करता है, जैसे बच्चे के दिमाग में क्या है पिक्चर्स इमेजेस जो हैं वो बनी हुई होती हैं, अगर बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से कुछ आता है तो बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज का भी यूज़ करता है, ठीक है। सेकेंड है विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता और आसानी से सीख सकते हैं। थर्ड है यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन पुरस्कार और दंड आदि पर भी बल देता है। फोर्थ है बच्चे में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है क्योंकि बच्चा लैंग्वेज से सीखता है, बच्चा सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा सीखता है और बच्चा इन्वायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा सीखता है। तो मोस्टली ब्रूनर का यही कहना है कि लर्नर जो है वो अकेला नहीं सीखता बल्कि लर्नर को सीखने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रूनर के अन्य पॉइंट के बारे में, जो अन्य पॉइंट्स हैं इसके मेन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में ब्रूनर ने बात की, ठीक है। ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग के बारे में बात किया, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अगर कोई लर्नर कुछ सीख रहा है और उसको हम हेल्प कर देते हैं उस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग का वर्ड का यूज़ ब्रूनर ने किया था, पाइकोत्सकी की थ्योरी में भी आप स्कैफोल्डिंग पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले जो
नाम है स्कैफोल्डिंग का, वो देने वाले कौन थे? ब्रूनर थे, ठीक है। स्कैफोल्डिंग को आगे बढ़ाने वाले वाइगोत्स्की थे, लेकिन सबसे पहले यूज़ इस वर्ड का ब्रूनर ने ही किया था, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने दिया था। इनका मानना था कि जब बच्चा सीखता है तो अगर बच्चे को थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए या फिर हेल्प मिल जाए तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, ठीक है। उसके बाद है इनका ये मानना है कि बच्चा जितना ज़्यादा बड़ों की बातों को मानेगा उतना जल्दी सीखेगा, जिसे MKO कहा है ब्रूनर ने। MKO मतलब MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन्स होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स, टीचर, जो हमसे बड़े होते हैं, अगर हम उनकी संगत में सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। उसके बाद ब्रूनर ने बताया कि अध्यापकों को पढ़ाते हुए स्पायरल करिकुलम का इस्तेमाल करना है, जिससे विषय वस्तु को आसान बनाया जा सके। स्पायरल करिकुलम कैसा होता है? अगर हम कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं तो पिछले वाला जो टॉपिक हमने किया है उससे जोड़ जोड़ कर उसे रिलेट करके अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे तो हम क्या है बच्चे को जल्दी सिखा पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने बात की है सिंपल टू हार्ड की तरफ बढ़ने की। ये कहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले हम ईजी वे में पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही हार्ड जो टॉपिक है वो करवाने चाहिए, ठीक है। तो इनका मानना यही है कि आसान से मुश्किल की तरफ जो हमारा करिकुलम है वो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे ब्रूनर और पियाजे में क्या क्या समानताएं हैं। फर्स्ट, छात्र पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर सीखता है, मतलब अपने पूर्व अनुभव जो होते हैं बच्चे के, पुराने जो अनुभव होते हैं, प्रीवियस जो नॉलेज होते हैं, उसके साथ समन्वय करके बच्चा सीखता है। ये बात ब्रूनर भी बोलते हैं और ये बात पियाजे भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है, बच्चों की संघनात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती जाती हैं, क्योंकि स्टेजेस में बच्चे सीखते हैं और जैसे जैसे बच्चे की स्टेजेस इंक्रीज होती जाती हैं, उनके साथ साथ उनकी जो मानसिक क्षमताएं होती है, जो मेंटल कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है, वो भी इंक्रीज होता जाता है और वो भी चेंज होता जाता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि बच्चे अधिकम प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पियाजे और ब्रूनर दोनों यही कहते हैं कि लर्नर जो है वो एक्टिव होता है। अगर लर्नर ही एक्टिव नहीं होगा तो सीखेगा कौन? पैसिव अगर लर्नर होगा तो उसको कितना भी प्रयास करा लो सिखाने का, बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। तो दोनों में समानताएं हैं, दोनों एक ही बात पर फोकस करते हैं। उसके बाद है कि संघनात्मक विकास का अंतिम चरण दृश्य संकेत के माध्यम से सीखता है। इनका कहना है कि जो अंतिम स्टेज है ब्रूनर वाली, जो दृश्य वाली, संकेत वाली, ये भी ब्रूनर मानते हैं कि संकेतों के माध्यम से बच्चा सीखता है, और पियाजे भी यही मानते हैं कि बच्चा संकेत के माध्यम से ही सीखता है, ठीक है। तो कुछ समानताएं थी इनकी, कुछ अलग भी करती हैं कि असमानताएं भी हैं इनकी। जैसे ब्रूनर लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, लेकिन पियाजे ने कहीं पर भी लैंग्वेज का जिक्र ही नहीं किया अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि संघनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर इनको अलग से डिफाइन भी कर सकते हो, मैंने जस्ट इनके नाम लिख दिए हैं। फर्स्ट, वातावरण, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसके बाद है हेरिडिटी, हेरिडिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही मिलकर काम करते हैं, गुणात्मक रूप में काम करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। स्वास्थ्य भी, बच्चे का स्वास्थ्य सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अध्यापक, अगर अध्यापक बच्चे के अच्छे हैं, सिखाने के लिए अच्छे हैं, अच्छी टेक्निक, अच्छे मेथड्स अगर टीचर यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। उसके बाद है परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, जो फैमिली है वो स्कूल में भेज रही है बच्चे को तो बच्चा जल्दी सीखेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग सीखेगा। अगर जो फैमिली है वो इस लायक नहीं है कि बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रही है, घर के किसी काम में लगाए रखती है, तो बच्चा जो सीखने की जो उसकी एबिलिटी है वो सीख ही नहीं पाएगा जिस एबिलिटी में है बच्चा, ठीक है। उसके बाद स्कूल, स्कूल का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट ही बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर बच्चे का जो क्लासरूम है वो ही बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चा सीखने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस करेगा। उसके बाद है समाज, अंत जो सोसाइटी होती है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। अगर हम
इस सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हमें मोटिवेट किया जाता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में डिमोटिवेट हमें किया जाता है, तो हम नहीं सीख पाएंगे उस चीज़ को। तो सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद संस्कृति हमारी कैसी है, उसके बाद हमारी भाषा कैसी है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारे कोग्नेटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है ब्रूनर की थ्योरी के। ब्रूनर के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है, इनका नाम ही यही है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। जितना लर्नर ज़्यादा खोज करेगा उतना ही जल्दी सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद इनका कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार छात्र स्वयं करके सीखते हैं और ज्ञान संरचना निर्माण के भी अवसर प्रदान होते हैं बच्चे को। उसके बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अगर बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हम बच्चों का करिकुलम जो है वो सेट नहीं करेंगे, तो बच्चे के सीखने की जो गति है वो उस गति से नहीं सीख पाएगा बच्चा जिस गति से सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि इस सिद्धांत द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की जो क्षमता है वो भी विकसित होती है, क्योंकि बच्चे खुद खोज करेंगे, बच्चे खुद किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित होंगे, एक्टिव होंगे, तो बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सोल्व आउट जल्दी ही कर लेंगे। उसके बाद है कि ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया है, कॉन्सेप्ट को समझने पर ब्रूनर ने बल दिया है। रटने पर ये नहीं कहते बच्चे, मतलब ये यही कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा खोज करेगा, बच्चा जितना ज़्यादा खुद एक्टिव होगा उतना जल्दी सीखेगा। ओके, और शिक्षक को विषय ठीक से समझने चाहिए, समझाने भी चाहिए और समझने भी चाहिए। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को समझाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं कि वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने पर बल दिया गया है, उससे बच्चे के ज्ञान को समृद्ध और स्थायी बनाया जा सकता है। इनका मानना यही है कि अगर हम कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को और उसी टॉपिक को हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से जोड़ देंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और जो बच्चा सीख रहा है वो उसके माइंड में ज़्यादा देर तक स्थायी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी पियाजे की और ब्रूनर की। एक और है वाइगोत्स्की, जिन्होंने कोग्नेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर काम किया है और कोग्नेटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो दी है इन्होंने। ठीक है, तो वाइगोत्स्की आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपके सीटेट में या फिर एचटेट में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। पियाजे से क्वेश्चंस आते हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चंस आते हैं आपके, और बंडूरा जो थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके अदर किसी यूनिवर्सिटी में वाइगोत्स्की की थ्योरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि MDU और CRSU में ये थ्योरी नहीं है। अगर आपके सिलेबस में थ्योरी है तो मैं वो करा दूँगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट थ्योरी कराऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारी होगी टोलमैन की, जो कि थर्ड यूनिट में आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की थ्योरी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी तैयारी रखिए अच्छे से, थैंक यू।